देश में लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस सेवा दल ने महंगाई को लेकर प्रदेशव्यापी प्रदर्शन करते हुए बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस सेवा दल के यंग ब्रिगेड जिला अध्यक्ष यतेंद्र गुड्डा सोनी के नेतृत्व में दर्शन सिंह तिराहे पर बढ़ती हुई महंगाई को लेकर समस्त कांग्रेसियों ने महंगाई की अर्थी रखकर प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा महंगाई को लेकर बनाई गई अर्थी को जलाते हुए देश और मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जबलपुर शहर के उपनगरीय क्षेत्र रांची में अर्थी को यहाँ पे सारे सेवा दल के कार्यकर्ता और कांग्रेस जन मिल करके अर्थी का दहन किए और सरकार से इस चीज़ की मांग की गई है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है देश में, आम आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है, उसी कड़ी को देखते हुए कम से कम जो जनमानस इस समय खाने की एक एक चीज़ के लिए मोहताज हो रहा है उनको राहत मिल सके और राहत प्रदान करने के उपाय आ सके। क्योंकि जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय यही बीजेपी के लोग कपड़े फाड़ करके रोड में प्रदर्शन करते थे, यहाँ तक कि इंदौर में फांसी में लटकने को तैयार थे। आज वे सब कहाँ मर गए जिनको आज महंगाई नहीं लग रही। उस समय की महंगाई और आज की महंगाई अगर उनकी नज़र में कम है तो हमारे हिसाब से ये महंगाई हम लोगों के लिए उचित नहीं है। उनके हराम की कमाई आती होगी तो उनके लिए बराबर है। इन्होंने तरह तरह के प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ किया और लोगों को ये आश्वासन और भरोसा दिलाया कि उस दर से भी हम नीचे आ जाएंगे, लेकिन ताजुब वाली बात है। मैं तो कहता हूँ मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है और किसी अभद्र भाषा का प्रयोग हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये हठधर्मिता है, ये कहाँ की जो है बेशर्मी है कि जो आपने कहा उससे नीचे ना लाते लेकिन चार गुने महंगाई बढ़ाई, चार गुना आज जो है महंगाई बढ़ा दी है। और आज वो सारी बातें ये भूल गए कि कभी इनने जो है उस निचली दर के खिलाफ इनने प्रदर्शन किया था। लोगों को उस बात का बोध कराया कि एक बात तो ठगी के शिकार हो गए, लेकिन आने वाला समय इस सरकार को जड़ से उखाड़ देने का एक संकल्प लेकर आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं। जबलपुर से रोहित नैयर की रिपोर्ट।